वेन यू से हमारा सोशल सिस्टम शुड नॉट है बी हैंड ओवर टू रिलीजियस प्रीसेप्ट राइट कि हमें जातिवान वापस नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए कोई सेंस नहीं बनता आर डेंट यू लॉबिंग फॉर अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेक्युलरिजम बिकॉज यू आर सेंग द स्टेट एंड द चर्च नीड टू बेपरेटेड एंड इन दैट वे हैव यू नॉट रीवेलिडेटेड दी आइडिया दैट सेक्युलरिटी सेक्युलरिज्म इज अ कॉन्सेप्ट दैट कैन फाइंड प्लेस इन द इंडियन इको सिस्टम विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम वॉट दी अदर नॉइज इज की भाई सेक्युलरिजम की क्या जगह है इंडिया में चर्च एंड स्टेट है सेम ट असार डिफरेंट सेक्ट ठीक है ओके लेटर्स हैव अ थियोक्रेटिक हिंदू स्टेट ठीक है दियोक्रेटिक हिंदू स्टेट सो एग्जाम्पल हमको थियोक्रेटिक मुस्लिम स्टेट का लेना पड़ेगा बाजू में है पाकिस्तान भी ईरान भी है सही है नहीं खा सकते अच्छा तो so, इंडिया में कौन सी थियोक्रेसी होगी वैश्वा लहसुन और कांदा बैन होगा। मतलब प्याज और लहसुन बैन होगा कि हम गेटोस में जाएंगे ये ये ट्रैड के हिसाब से देर विल भी वैश्वाइट गेटोस, वहां पे सिर्फ वैष्णव ढाबा होंगे और उधर अगर कोई नॉन वैष्णव ढाबा आएगा तो उसने ब्लैशी कर दी है और उसके ऊपर हम केस करेंगे तो बस टू नाइनटी फाइव ईशनिंदक क्यों क्योंकि मैंने है ना एक वैष्णव एरिया में प्याज और लहसुन खा लिया कैसे करोगे आप गवन कैसे करोगे ये लोग क्या कहते हैं ये लोग कहते हैं ग्रुप शुड बी द फोकस इंडिविजुअल शुड नॉट बी द फोकस इंडिव्यूजल शुड भी दू ग्रुप शुड नॉट बी द हाँ। फोकस, बी फोकस। क्योंकि अगर आपको इफिशियंटली गवर्न करना है एक सोसाइटी को आप मैन्युअल ग्रुप को डिजोल्व कर दो ग्रुप होएंगे मगर जो इन कानून अर्थव्यवस्था और सब कुछ आपको एक इंडिविजुअल के जैसे देखे तो बेहतर होगा बिकॉज नहीं तो हम देश में कानून कैसे बनाएंगे क्योंकि आज कुछ हिंदू सेक्ट्स हैं जो गाय खाते हैं वो हिंदू नहीं है अभी इंडिया ने कैसे मेच्योर वे में हैंडल किया इंडिया ने हर स्टेट को बोल दिया तुम अपने कानून बनाओ तो कुछ स्टेट्स को गाय के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है कुछ स्टेट्स को है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ अभी यूपी को है यूपी बैन करेगी महाराष्ट्र को है महाराष्ट्र बैन करेगी नॉर्थ ईस्ट को नहीं है वो नहीं करती वहां के हिंदू अपना करते हैं यहाँ के हिंदू अपना करते हैं ये है हिंदुज्म जितना फेडरल करो उतना अच्छा है मगर अगर आपने हर चीज को ऐसे ही किया और ब्रेक डाउन करते गए करते गए करते गए तो मैं कहता हूं उसको इंडिविजुअल तक लेके जाओ ग्रुप तक मत लेके जाओ ये लोग क्या कहते हैं ये लोग क्या कहते हैं ग्रुप पे लाके रोक दो फैक्ट्रिंग के प्रोसेस को यहां रोक दो नीचे तक मत लाओ हाँ, हाँ, हाँ क्यों अब मैं तेरे को बताता हूं ये लोग क्या कहेंगे ट्रैड ट्रैड की दुनिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रॉब्लम होगी क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड हम सबको इंडिविजुअल के जैसे देखेगा बराबर है ट्रैड तो ऑब्वियसली अपोज करेगा मगर ट्रैड के वर्ल्ड में मुसलमान औरत जो ऑलमोस्ट ग्यारह करोड़ है इस देश में वो तो तड़पती रहेगी प्रतिशत मैं तो ट्रेड की दे रहा हूँ ट्रेड तुझे क्या कहेगा hmm. मतलब कह रहे मुझे क्या करना है hmm. एक चलो अगर रिफॉर्म एक वेस्टर्न आइडिया जो नहीं है मैं तेरी पॉडकास्ट पे एक वो बुक बता चुका हूँ hmm. जो क्लियरली दिखाता है कि कैसे सेक्युलरिज्म एक पेगन इन्फ्लुएंस इटनमेंट ऑन द एडिफ़िस था और मैं दो बुक्स बताई थी एक, एक लॉयर ने बताया था कि कैसे अमेरिका के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स आर एक्चुअली अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी और दूसरा पेगन। एक हिस्टोरिकल right. बुक है वो ठीक है वो अभी वापस रिविजिट नहीं कर रहे मगर अगर ये बातें करने से मैं वेस्टर्न क्रिश्चियन सेक्युलर होता हूं ना तो मैं हू तो मैं हूं क्योंकि वो ह्यूमन फ्लरिशिंग लाती है एविडेंटली hmm. वहां पे बेटर होता है hmm. hmm. हाँ वहां पे तुम तुम एक सिंपल है मैंने ना आमना और अर्शिया जी को पॉडकास्ट पे बुलाया था मैंने आमना और अर्शिया जी को पूछा कि आप अभी तो इस्लामिक लॉस के अंडर हो इंडिया में बोलते हैं जी हाँ मैंने बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड छोड़ दो अगर मैंने आपको बोला कि करंट यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ हिंदू कोड बिल हो जाएगा तो आप क्या प्रेफर करोगे दोनों मुस्लिम औरतों ने बोला अगर इंडिया में करंट सारे लॉज चेंज करके सारे इंडियंस पे सिर्फ हिंदू कोड बिल भी आ गया ना तो हर रिलीजन की औरत विल बी बेटर ऑफ बिकॉज हिंदू लॉ अलाउज फॉर अ बेटर ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन यस इट इज द मोस्ट रिफॉर्म्ड लॉ इन इंडिया हिंदू लॉज आर द मोस्ट रिफॉर्म लॉ मगर ट्रैक्ट क्या बोलते हैं आपके ऊपर ये इम्पोज किया गया था कोई डिबेट नहीं हुई थी झूठ डिबेट हुई थी मैंने ये पेपर कितनी बार कितनी बार मेरी पॉडकास्ट के माध्यम से मैंने ये शेयर किया हुआ है ये पेपर कितनी बार मैंने लोगों को बोला है कि भैया ये इम्पोज नहीं हुआ था आप लोगों के ऊपर ये बहुत पहले से था ये डिबेट बहुत समय से हो रही थी और ये झूठ बार बार बोला जाता है कि नहीं होता जी नहीं होता जी नहीं होता जी हमारे ऊपर इम्पोज़ किया गया है जी हमारे ऊपर इम्पोज़ किया गया है एक बकायदा 1975 में लॉ कमीशन के अंदर एक डिटेल्ड स्कॉलरली पेपर पब्लिश हुआ था ऑन द हिंदू कोड बिल एंड इट्स हिस्ट्री

टू गो एंड रीड दिस पेपर ज्यादा नहीं बीस पेज ही हैं इतनी मेहनत तो कर लेंगे अच्छा उसमें हिंदुओं को, अच्छा, को गवर्न कैसे करेंगे ठीक है अभी मैं हिंदू लॉ का एक किस्सा बताता हूँ राव कमिटी की रिपोर्ट को, को कोट किया है ये पेपर ने बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा ऑफ द मिताक्षरा विज्ञानेश्वरा इन डीलिंग विदो टू इनिट द प्रॉपर्टी ऑफ अर sonless husband opens with the text of yajnavalkya which admits of that right but he finds several other texts including one of manu which are not in the widow's favour the commentator thus confronted with conflicting texts explains away manu and the others as referring to cases where the husband was joint with his co at the time of his death and takes yajnavalkya as referring to the cases he then declares it to be a settled rule that the widow is the heir in these other cases in the very next session, section, he has to deal with the right of the daughter's son to inherit to his maternal grandfather. Here he finds the authorities reverse. Yadnivalky makes no mention of the daughter's son while Manu in his, is in his favour. This time Vigneshwara prefers Manu and by an unsurpassed feat of exposition reconciles the text of Yadnewalke with Manu's view. Thus, Yadnewalky's text reads, quote, the wife and the daughter also, etc.

यानी कि भारत में हजारों यूनिफॉर्म सिविल कोड रखो हाँ तो यूनिफॉर्म तो वर्ड ही ड्रॉप तो कर दो मतलब तो ना फिर यूनिफॉर्म नहीं है ना फिर हां, कुछ भी हां, सिविल कोड्स रखो बेसिकली हजारों सिविल कोड्स रखो हम्म ये है इनका विजन ऑफ इंडिया देर इज नो इंडिविजुअल इन देर विजन देर इज ओनली एंड ओनली ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ग्रुप है hmm. सिर्फ और सिर्फ ग्रुप है अब मेरे को एक बात बता तू, ऐसी विजन में भाई तुमको रहना है तुम रहो मैं नहीं रहता ऐसी विजन में

गाइज अगर ये के आपको भी लगा वाओ मैं भी ऐसे सोचना चाहता हूँ मैं सीखना चाहता हूँ ऐसे कैसे सोचते हैं तो क्या करना है सब्सक्राइब सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब